हे गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, आपने इंट्रो और थंबनेल देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। गाइस, अगर आपको नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो होने वाली है iOS व्हाट्सएप को लेके, जो कि गाइस आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट अपने फ़ोन को रूट करें। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है iOS व्हाट्सएप को। तो गाइस, अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में गाइस आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा, उसको गाइस आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि गाइस मैं फ्यूचर में कोई सी भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने फ़ोन में जो व्हाट्सएप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको ऊपर 3 डॉट दिख जाएगा, तो गाइस आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और नीचे गाइस आपको सेटिंग दिख जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अपने चैट्स का जो बैकअप ले लेना है, क्योंकि गाइस आपको इस वाले व्हाट्सएप को जो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए गाइस आपको जो चैट्स का बैकअप ले लेना है। तो गाइस मैंने चैट्स का बैकअप ले लिया है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वाले व्हाट्सएप को जो अनइंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस मैं इस व्हाट्सएप को जो अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इसके बाद बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो गाइस मैंने जो इस वाले व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें गाइस आपको iOS का व्हाट्सएप देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको वहाँ से जो व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। अगर गाइस आपको डाउनलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइस आपको आई बटन पर एक वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम माई लिंक। तो गाइस आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइस आपको सिंपली जो डाउनलोड करके व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है। गाइस व्हाट्सएप के सिवा आपको एक व्हाट्सएप के iOS थीम का लिंक भी मिल जाएगा, तो गाइस आपको उसको भी जो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो गाइस उसको भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको सिंपली व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और जो भी गाइस बेसिक से परमिशंस होते हैं आपको सारे परमिशंस को अलाउ करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपसे एक और परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है। देन गाइस आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू करके एक बटन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। देन गाइस आपको लॉगिन कर लेना जिस टाइप से आप अपने जो पुराने वाले व्हाट्सएप में लॉगिन करते। तो गाइस ये सिंपल सा है गाइस, आप इसे कर सकते हैं। देन गाइस आपसे ये वापस से एक परमिशन मांगेगा कॉन्टैक्ट का, तो आपको सिंपली अलाउ कर देना है। इसके बाद गाइस जो आपने बैकअप लिया था आपको वो रिस्टोर करने को बोलेगा। तो गाइस अगर आप रिस्टोर करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं रिस्टोर नहीं करने वाला, तो गाइस मैं सिंपली जो स्किप कर देता हूँ। तो गाइस मैंने स्किप रिस्टोर कर दिया है। इसके बाद गाइस जो भी आपका व्हाट्सएप नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने चैनल नेम डाल देता हूँ, जो भी गाइस मेरा चैनल नेम है। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है तो गाइस इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप सिंपली इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो भी मतलब इस व्हाट्सएप में आपको चीज़ें मिलती है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख जाएगी। तो गाइस यहाँ से आप रीड कर सकते हैं अगर आप रीड करना चाहते हैं, वरना गाइस आप नीचे क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ऊपर 3 डॉट देखने को मिल रहा होगा, तो गाइस आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है और गाइस FM मोड्स करके आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके FM थीम्स वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करना है, जो गाइस दूसरे नंबर पे। इसके बाद गाइस आपको लोड थीम पे क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी गाइस आपने जो उस थीम के फाइल को रखा जो कि गाइस iOS के थीम है, तो गाइस आपको सिंपली उस वाले थीम को क्लिक कर देना है उस थीम पे। तो गाइस आपको सिंपली एक बार क्लिक करना और आपका जो व्हाट्सएप है बिल्कुल ही iOS लुक में आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस इससे पहले ही मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखा चुका हूँ जो भी इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, और गाइस आप यूज़ करते करते आप इसके काफ़ी सारे चेंजेस जो जान जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो गाइस पास में बेल आइकन है उसको भी मतलब आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि गाइस आपको फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।